कहूंगा गोल इंस्टीट्यूट, जी हां, गोल इंस्टीट्यूट के एमडी विपिन कुमार सिंह जी को, जिनके पढ़ाए हुए 14,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स आज की तारीख में डॉक्टर बन चुके हैं या डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत विपिन कुमार जी। विपिन जी, यहां एक व्यक्ति का सपना रह जाता है डॉक्टर बनने का, पढ़ते पढ़ते इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है, और आप 14,000 से ज्यादा डॉक्टर बना चुके हैं। कोशिश है, ईमानदार कोशिश रही है पिछले 24 वर्षों में, और बिहार झारखंड ने हमें वो सौभाग्य दिया है काम करने का। निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर परिवार या आत्मनिर्भर व्यक्ति, किसी की भी बात करें उसमें शिक्षा का एक बहुत बड़ा योगदान है, और बिहार उसके लिए जाना जाता रहा है, सदियों से जाना जाता रहा है। जब अमेरिका जैसा आज के डेवलप्ड कंट्री जंगल का जिंदगी जी रहा था, तब हम नालंदा विश्वविद्यालय से पूरे विश्व को पढ़ा रहे थे। ये हमारी जो रही है खासियत, इस बिहार की खासियत रही है। हमने कोशिश किया, बिहार से हमारी संस्था की शुरुआत हुई थी, और यहाँ से हम दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस होते हुए कई राज्यों तक गए। लेकिन जो मिट्टी का जो एसेंस होता है ना, अपने ही राज्य में लाकर काम करने के लिए जो प्रेरणा देता है, निश्चित रूप से यह सौभाग्य हमें मिला। और बिहार में रहकर काम करने में परेशानियां तो आते रहेंगी, पहले भी आई हैं, लेकिन अगर मन और एकाग्रता के साथ अगर कोई काम करना चाहते हैं जिसमें ईमानदारी निहित हो और समाज की और व्यक्ति के मानवीय संवेदनाओं का ख्याल रखा जाए और उस पर काम किया जाए, तो 14,000 से ज्यादा भी छात्र अभी आने वाले हैं मेडिकल कॉलेज में। आपने अपनी परेशानी या दुश्वारियां इस रूप में बताएं कि आपने तमाम बाधाओं को दूर करते हुए ठाना कि यहीं पर आप काम करेंगे, यहीं पर आप शिक्षा देंगे और भविष्य के डॉक्टर तैयार करेंगे। लेकिन उन अभिभावकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो, विद रेस्पेक्ट टू देम, जो राज्य से, बिहार से दूसरे प्रदेशों में, कोटा में, गुजरात में, दिल्ली में अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजते हैं? बहुत सही सवाल है आपका, क्योंकि जब आपने जो सुविधा दिया है अगर उसमें कहीं कमी रह जाती है, सरकारी स्कूलों में, संस्थानों में अगर कमी है तभी वो कोचिंग संस्थान में बच्चे जाते हैं। सरकार इतनी ज़्यादा सुविधा अगर दे और क्वालिटी एजुकेशन दे, जिसके बारे में आपसे पहले राय साहब ने भी बताकर यहाँ से वो गए हैं, तो क्वालिटी की बात अगर करते हैं और मन में एक विश्वास की भी बात होती है, तो यहाँ के जो पेरेंट्स बाहर के तरफ रुख करते हैं, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि बिहार में शिक्षक और अच्छे छात्रों की बिल्कुल कमी नहीं है। एक अच्छी व्यवस्था, सरकार का सपोर्ट और किसी तरीके से उसे इस तरीके का मोटिवेशन चाहिए कि हम सब लोग मिलकर इस बिहार के लिए जो सोच रहे हैं वो मूर्त रूप में सामने दिखना ही चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम होता है जब हम अच्छा काम करना शुरू करते हैं, जैसे अब से पहले हमारे सीईओ साहब ने बताया पैसिफिक इंडिया का, और हेल्थ केयर में ये हैं, देश के अलावा 3 देशों में हैं, कई राज्यों में तक फैल गए, लेकिन इन्हें अपने बिहार में कुछ काम करने में परेशानी हो रही है। इस बात से गुरेज नहीं किया जा सकता है कि माहौल की कमी है, कहीं ना कहीं जो परिस्थितियाँ आती हैं हमें डीमोटिवेट करता है। अब बहुत ज़्यादा आप पैसनेट है अपने राज्य के करने के लिए, राज्य को अच्छा देने के लिए, तो फिर ठीक है, वो चीज़ें आपके पास आती है। गार्जियन यहाँ से जाते हैं, परिस्थितियाँ ऐसी हैं, लेकिन यदि हम लोगों को थोड़ा सपोर्ट मिल जाए सरकार के द्वारा, जैसे MSME का बात करें उसका दर्जा मिल जाए कोचिंग संस्थानों की, तो हम समझते हैं कि हम लोग और अच्छा करेंगे। सरकार की तरफ जब बात होती है, उनसे हमारी बात होती है कुछ अच्छा करने के लिए, तो कोचिंग संस्थान को एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। जब हम ये कहते हैं कि कोचिंग संस्थान क्वालिटी एजुकेशन दे रही है, आप जो सरकारी संस्थान में दे रहे हैं उसी का एक पार्ट है, और आज का जो कॉम्पिटिटिव माहौल है उसमें बच्चों को निखारने का हम काम करते हैं, तो आपसे अलग नहीं है, आपके हम अंग हैं, तो हमसे आप दूर कैसे हैं और हमें आप दूर ना समझें। अगर इस तरीके का मोटिवेशन सरकार की तरफ से मिले तो निश्चित रूप से छात्रों का तो मिलता है समर्थन, अभिभावकों का भी मिलता है। हर वर्ष जब साधारण परिवार के बच्चे क्वालिफाई करके जाते हैं, ये मोटिवेशन होता है। गोल इंस्टीट्यूट की मैं यही बात जानना चाह रहा था अंत में कि 28 साल से ज्यादा समय से आप इस क्षेत्र में हैं। कहा जाता है कि एक मॉड्यूल जो तैयार किए जाते हैं किसी भी एंट्रेंस की तैयारी करने के लिए बहुत महंगे होते हैं और हर कोई किसी की पॉकेट अलाउ नहीं करती, तो क्या गोल इंस्टीट्यूट की तरफ से ऐसे प्रतिभाशाली छात्र जिनके माँ बाप की जेब में इतना पैसा नहीं है, उन लोगों के लिए भी आप कुछ करते हैं या प्रयास आगे के लिए है? जी, निश्चित रूप से, और ये बहुत सेंसिटिव है, बहुत इमोशनल है। निश्चित रूप से शिक्षा का व्यापारीकरण तो हुआ है, लेकिन हमें समझना होगा शिक्षा जब तक बिकते रहेगी तब तक हम सही तरीके से समाज का संरक्षण नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ परंपरा नहीं रही है बेचने की, हमें
वो शिक्षा बांटना होता है, और बांटने के क्रम में हमें देखना होता है कि अगर कोई मेधावी छात्र है और उसके पास पैसे की कमी है, गार्जियन अगर एफर्ट नहीं कर सकते हैं तो वो व्यवस्था देनी चाहिए। गोल संस्थान ने सभी परिस्थितियों के बावजूद गोल एजुकेशन विलेज लगभग 14 एकड़ में पटना के पास स्थापित किया। उसमें जो परिस्थितियाँ आई, जो परेशानियाँ आई, वो आज भी चल रहा है, लेकिन वहाँ 1000 बच्चे रह रहे हैं इस वर्ष, और पिछले बार जब 500 बच्चे थे उसमें लगभग 450 बच्चों का रिजल्ट आया। और वहाँ जो शिक्षा दी जा रही है बच्चों को वो सस्ती शिक्षा है, क्योंकि वैसे सिलेक्टेड बच्चे जो मेधावी हैं या मेहनत करने वाले हैं या जिन्हें बहुत कुछ अच्छा करने की इच्छा शक्ति है, ऐसे बच्चों को हम सिलेक्ट करते हैं पूरे बिहार से, और सिलेक्ट कर वहाँ पर उनको जगह प्रोवाइड किया जाता है और इसके बाद वो रिजल्ट देते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता है, हम जैसे लोग बहुत सारे हैं जो ऐसे विद्यार्थियों को। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और अच्छा लगा मुजफ्फरपुर में ऐसे सोच के लोग भी लगातार काम में लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शैलेंद्र जी से आग्रह करूंगा ऐसे सेशन के लिए हमारे साथ विपिन जी जुड़े, उनका मोमेंटो भेंट कर स्मृति चिन्ह देकर जी बिहार झारखंड की तरफ से धन्यवाद किया जाए।